जब भी हम लोग किसी स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे एक काउंटर बना होता है, काउंटर पे हम जाते हैं, हम कार्ड निकालते हैं, कार्ड निकाल के उसे देते हैं, वो क्या करता है, कार्ड को इधर स्वाइप करता है या मशीन में लगा देता है, उसके बाद हमें पिन डालना होता है, तभी हम पेमेंट कर पाते हैं। अब जब से महामारी आई है तब से क्या हुआ है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि अवॉइड करें इस तरह का पेमेंट, कि आप किसी को कार्ड ना दें। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड होता है वो काफ़ी यूजफुल होता है। यह ऐसा कार्ड होता है जिसमें आपको किसी को कार्ड देना नहीं पड़ता है और ना ही आपको जाके पिन डालना होता है। जैसे ही आप कार्ड लेके जाते हैं किसी मशीन के पास में, आपका पेमेंट डायरेक्टली हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग कॉन्टैक्टलेस कार्ड के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो का टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कॉन्टैक्टलेस कार्ड को कैसे पहचानेंगे। वो जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड होता है उसमें क्या होता है, वाईफाई टाइप का सिंबल होता है। अगर उस तरह का सिंबल है तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि आप उस पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है तो आप अपने बैंक में जाके उसको इशू करा सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आप इससे हर जगह पेमेंट नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या है कि वैसे ही जगह आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं जिनके पास ये मशीन अवेलेबल है। अगर वो मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप उसको नॉर्मल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तरह उसे यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप कॉन्टैक्टलेस कार्ड को कैसे यूज़ करते हैं। आप जहाँ पेमेंट करने जाते हैं वहाँ पे भी उसी तरह का सिंबल होता है वाईफाई का, जैसा कार्ड में होता है। आप वहाँ पे जाते हैं, कार्ड को उसके करीब ले जाते हैं, या तो कार्ड को करीब ले जाने से आपका डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है, या तो आपको कार्ड को वहाँ पे जाके टैप करना होता है, वैसे आपको पेमेंट हो जाता है। इस कार्ड में क्या होता है कि एक एंटीना होता है और एक चिप होता है जो कि RF फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है। तो जैसे ही आप पेमेंट करने जाते हैं, कार्ड को आप उसके जाके टर्मिनल के करीब ले जाते हैं और जैसे ही आप टैप करते हैं तो क्या होता है कि जो कार्ड का डिटेल है वो वायरलेसली जाके आपको टर्मिनल में ट्रांसफर हो जाता है और उससे जो पेमेंट है वो बहुत ही सिक्योर मैनर में हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कॉन्टैक्टलेस कार्ड सेफ होता है? ये उतना ही सेफ होता है जितना आपका स्वाइप करने वाला कार्ड होता है, इंसर्ट करने वाला कार्ड होता है। इसमें क्या होता है, अभी आप जब भी जाके टैप करते हैं तो इसमें क्या होता है, वन टाइम सिक्योरिटी कोड निकलता है जो कि उस ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें एक एडिशनल सिक्योरिटी होती है। मान लीजिए आप पेमेंट करने गए हैं और पेमेंट में जाके लाइन में बहुत सारे लोग हैं और सबका पेमेंट का बारी आता है, तो ऐसा ना हो कि गलती से कोई दूसरा पेमेंट कर और आपसे पेमेंट हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि जब तक आप उसमें जाके कार्ड को करीब नहीं ले जाते हैं, जिसका जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो 4 सेंटीमीटर होता है, तो आप जब तक उतना करीब नहीं ले जाते हैं तब तक आपके उसमें से पैसे नहीं कटते हैं। इसके अलावा मान लिया आपने गलती से 2 बार टैप कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि 2 बार पैसा कटेगा, 1 ही बार पैसा कटेगा। तो ये सब काफी अच्छा फीचर है इसका। इसमें क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। अब जैसे कि आप जो डेली ट्रांजेक्शन करते हैं, डेली आप 10,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रांजेक्शन का जो अपर लिमिट है वो 2,000 का है, यानी 2,000 का 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ट्रांजेक्शन का भी लिमिट है, आप 5 ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1,000 का 10 ट्रांजेक्शन करें, आप टोटल 5 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो ये लिमिट जब खत्म हो जाता है तो आप इसको नॉर्मल कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपको 2,000 से ज्यादा पेमेंट करना है तब भी आप नॉर्मल कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं। आपको जब ऑनलाइन आपको परचेस करना है तब भी आप नॉर्मल कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं, या आपका डेली लिमिट खत्म हो गया तब भी आप नॉर्मल कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये काफी यूजफुल कार्ड है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर आप लोग इस कार्ड को पहले से यूज कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और आप में से अगर कौन कौन लोग इसको प्लान कर रहे हैं, आपके किस बैंक में ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।